अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। हमने प्रीवियस लेक्चर जो है वो एलजी के अबाउट दिया था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने बकायदा फरमाइश की थी तो उनकी फरमाइश को रिक्वेस्ट को पूरा किया गया। तो आज हम जाफर्स बायोलॉजी पे नेक्स्ट अपने टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने प्रीवियस से पहले लेक्चर दिया था फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस पे, जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है और तीन लेयर्स रखते हैं अपने अंदर उनकी बॉडी को बनाने के लिए। कौन कौन सी जनाब, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के बारे में बात की थी। और उसके बाद ये तीन लेयर्स रखने के बावजूद भी इस लोमेलिसा के अंदर सिलोम बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, हमने फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस के अबाउट बात की थी। तो आज हम बात कर रहे हैं फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस की मजीद फोर क्लासेस के अबाउट, जिनमें से दो क्लासेस को डिस्कस किया जाएगा। और वो कौन सी क्लासेस जिनको डिस्कस किया जाएगा? क्लास टर्बुलेरिया एंड मोनोजीनिया। कौन कौन सी क्लास है जनाब? क्लास टर्बुलेरिया के अबाउट बात करनी है और क्लास मोनोजीनिया के अबाउट बात करनी है। अब पहले डिस्कस करते हैं जनाब क्लास टर्बुलेरिया क्या है। क्लास टर्बुलेरिया जो है ये चूंकि फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस से ताल्लुक रखते हैं, तो चूंकि ये फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस से ताल्लुक रखते हैं और फाइलम से ताल्लुक रखने वाले, इस फाइलम से ताल्लुक रखने वाले तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म क्या कहलाए जाते हैं जनाब? वो फ्लैट वर्म्स कहलाते हैं। की कहलाते हैं? फ्लैट वर्म कहलाते हैं। चपटे बॉडी रखने वाले ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ये चपटी बॉडी रखने वाले ऑर्गेनिज्म जो है, एक ही इनका एग्जांपल प्लेनेरिया वगैरह भी है। क्लास टर्बुलेरिया का ताल्लुक रखने वाला ऑर्गेनिज्म क्या है? प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया चूंकि अपनी बॉडी चपटी रखते हैं, चपटी बॉडी रखने के नाल नाल की होता जनाब, इन्हें वो सीलिया पाए जाते हैं डॉर्सल साइड से, तो उन्हें डॉर्सल साइड पाए जाने सीलिया की वजह से एक ही करते हैं, अपनी लोकोमोशन करते हैं, अपनी मूवमेंट करते हैं। असं बाद में आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे जो इस अबाउट है। तो हम बात करते हैं जनाब किसकी, ये फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस से ताल्लुक रखने वाले ऑर्गेनिज्म जो है ये मोस्टली क्या है? फ्री लिविंग है और बॉटम डिवेलर्स है। क्योंकि ये बॉटम डिवेलर्स है तो इस वजह से ये बॉटम में पाए जाते हैं, और बॉटम में पाए जाने की वजह से ये अपने सीलिया की मदद से या अपनी बॉडी की वजह से ये उसमें क्या करते हैं? टर्बुलेंस काज करते हैं। वो जो पानी में ये पानी को हिलाते हैं, पानी में टर्बुलेंस काज करते हैं। उस टर्बुलेंस की वजह से होता क्या है कि वो पानी गदला हो जाता है। वो पानी जब गदला हो जाता है तो नतीजतन उस गदले पानी को देखते हुए, इनका इनके करैक्टर को देखते हुए, क्योंकि ये पानी के अंदर पाए जाते हैं और वहां पे टर्बुलेंस काज करके पानी को गदला कर देते हैं, इसी वजह से इनको इसकी क्लास को इस करैक्टर की वजह से टर्बुलेरिया क्लास कहा जाता है। ये बॉटम डिवेलर से मैंने आपको बताया है। अगर हम इनके साइज की बात करते हैं तो जनाब इनका साइज 1 सेंटीमीटर तक मोस्टली रन करता है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है दे रन गो टू अबाउट 60 सेंटीमीटर। तो इनके 60 सेंटीमीटर तक साइज चला जाता है, लेकिन मोस्टली ये राउंड अबाउट 1 सेंटीमीटर तक डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी बॉडी वॉल की, तो इनकी बॉडी वॉल में जनाब पाई जाती है एपिडर्मस पाई जाती है, जो कि एक्टोडर्म से डिराइव्ड है, सबसे बाहर वाली लेयर है। यहां पे आप डायग्राम की तरफ देख सकते हैं, और इस डायग्राम में मैंने ये जनाब आपको बना के दिखाया है कि एपिडर्मस बाहर वाली लेयर मौजूद है। इस एपिडर्मस से नीचे, एपिडर्मस के नीचे, एपी स्टैंड फॉर आउटर, डर्मस स्टैंड फॉर लेयर, इस एपिडर्मस से नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। एपिडर्मस से, अगर ये एपिडर्मस है तो इसके नीचे क्या है, ये मैं अगर मार्कर दिखा रहा हूं तो ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन ने क्या किया हुआ है? इस बेसमेंट मेम्ब्रेन ने एपिडर्मस को सेपरेट किया हुआ है दूसरी लेयर से, और वो दूसरी लेयर क्या है जिससे इसको सेपरेट किया हुआ है? दूसरी लेयर ये है मेसोडर्म। ये यहां पर मेसोडर्मल ऑर्गन से एपिडर्मस को जो है वो सेपरेट किया हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन में। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, मस्कुलर सेल्स पाए जाते हैं, मस्कुलर लेयर पाई जाती है। अब ये मस्कुलर लेयर कौन से सेल्स की है? दो तरह के सेल्स है, एक लॉन्गिट्यूडल जो कि लंबोतरी शेप में जस्ट लाइक अ मार्कर, दूसरी तरफ क्या है सर्कुलर सेल्स हैं, जस्ट लाइक मार्कर की इस साइड को देखो तो ये सर्कुलर शेप है। तो जो मसल जो है वो सेल्स इस शेप में है, देन विल बी कॉल्ड एज सर्कुलर, एंड इन दिस शेप विल बी कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल सेल। तो जिन्हें ऐसे इस शेप के लायक बड़े होते हैं उनके सर्कुलर सेल्स कहलाते हैं, इस शेप की कहलाते हैं जनाब लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स कहलाते हैं। यहां पर मैंने आपको दिखाया की दिखाया जनाब लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स दिखाया, तो नाल सर्कुलर सेल्स भी दिखाएंगे जनाब।
ठीक है, ये मस्कुलर सेल्स की गल कर रहे हैं, उसके अलावा की मैं डिस्कस कर रहा कि मस्कुलर सेल्स के अलावा इन में की पाए जाते हैं, पैरेन्केमेटा सेल्स पाए जाते हैं, पैरेन्केमेटा सेल्स में तो नहीं दिखाया जनाब, पैरेन्केमेटा सेल्स की पाए जाते हैं जनाब, मस्कुलर सेल्स, पैरेन्केमेटा सेल्स, मस्कुलर सेल्स की पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स भी पाए जाते हैं, मस्कुलर सेल्स की पाया जाता है जनाब, सर्कुलर सेल्स भी पाए जाते हैं, दोनों तरह के सेल्स यदि मस्कुलर सेल्स पाए जाते हैं, यदि मस्कुलर मस्कुलचर जो है स्ट्रक्चर बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं किसकी, गैस्ट्रोडर्मस की, गैस्ट्रोडर्मस is derived from two words, dermis and gastro. ये वो cavity है, ये वो gastrodermis है जो कि इसकी body wall वो wall बनाती है, body wall बनाती है जो कि involved है digestion में. किस में involved है जनाब? Digestion में involved है, क्योंकि इनका बकायदा तौर पे, वाजे तौर पे, organized तौर पे कोई digestive system इनका नहीं होता है. उसके बाद हम बात करते हैं glands की, तो इनमें glands तीन तरह के पाए जाते हैं. कौन सी तरह के? तीन तरह के. कौन से? एक रिडक्स ग्लैंड्स, दूसरा एडेसिव ग्लैंड्स, तीसरा रिलेजर्स ग्लैंड्स. अब रिडक्स ग्लैंड्स क्या है? ये क्या करते हैं? ये सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं. क्या करते हैं? सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं. ये सेक्रीशन जो है सेक्रीट करने के बाद ये सेक्रीशन इनको घेरे में ले लेती है, और ये घेरे में जब ले लेती है, इनको सराउंड कर लेती है, तो ये सराउंडिंग में आने के बाद ये सेक्रीशन क्या करती है? इनको बचाती है जनाब अपने प्रेडेटर से. किससे बचाती है? अपने प्रेडेटर से बचाती है. किसकी? रिडक्स सेक्रीशन की सेक्रीशन जो है. अब दूसरी है एडहेसिव ग्लैंड. एडहेसिव ग्लैंड के एडहेसिव लव निकला है अडहेयर करने से. अब क्या होता है कि ये ग्लैंड जो सेक्रीशन सेक्रेट करते हैं वो इनको टर्बुलेरिया क्लास से ताल्लुक रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को एडहेयर करने के लिए, मतलब अगर ये वाटर के साथ है, सॉइल के साथ है, या सॉइल के साथ है, या फिर किसी रॉक के साथ है, तो वहां पे क्या करते हैं? ग्लैंड सेक्रीशन सेक्रीट करेंगे. सेक्रीशन सेक्रीट करने के बाद ये क्या है? बिल्फर्ज, ये एक प्लेनेरिया है, तो ये सेक्रीशन सेक्रीट की, तो सेक्रीशन सेक्रीट करने के बाद ये क्या करेंगे? अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली साइड से ये क्या करेंगे? अडहेयर कर लेंगे अपनी बॉडी को. अब यहां पे अगर मैंने बात की है कि अपनी बॉडी को अडहेयर कर लेंगे, तो इट मीन दैट कि अगर इन्होंने मूव करना है, तो एक पॉइंट हमें और समझ आ गया, तो ये रॉक पे क्या करेंगे? ग्लाइड करेंगे, जस्ट लाइक दिस वन. ये क्या करेंगे? ग्लाइड करेंगे. तो हमारे मजीद बात करेंगे. अब जो तीसरा ग्लैंड इनके पास रिलीजर ग्लैंड. रिलीजर ग्लैंड क्या करता है? एडहेसिव ने अडहेयर किया, रिलीजर ग्लैंड ने सेक्रीशन खारिज की, उसने क्या किया? वो जो कनेक्शन था, वो जो स्टिकी कनेक्शन था एडहेसिव ग्लैंड की सेक्रीशन के दरमियान और रॉक के दरमियान, ये ग्लैंड जो सेक्रीशन खारिज करेंगे, इनका काम क्या? एंजाइम रिलीज करेंगे, और वो एंजाइम उस सेक्रीशन को, उस सेक्रेशन को कट ऑफ करेंगे, वो उस लिंक को कट ऑफ करेंगे जो लिंक एडहेसिव ग्लैंड्स का सेक्रेशन की वजह से इस ऑर्गेनिज्म को अडहेयर करने में हेल्प कर रहा था विद द रॉक. चट्टान के साथ इनको अडहेयर करने में हेल्प कर रहा था, उसको ये क्या करेंगे जनाब? कट ऑफ करेंगे, और ये अपनी बॉडी जो है वो अलग कर सकते हैं अपने अडहेरेंस के बाद. उसके बाद हम बात करते हैं जनाब इसकी लोकोमोशन की. तो मैंने लोकोमोशन आपको बताया, रॉक पे या तो ये ग्लाइड करते हैं, या फिर ये क्या करते हैं, इनके पास सीलिया मौजूद है, तो सीलिया के जरिए ये मूव करते हैं. अगर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डाइजेशन और न्यूट्रिशन की, तो डाइजेशन में मैंने आपको पहले बताया कि इसके पास, इनके पास कोई डाइजेस्टिव कैविटी वाजे तौर पे नहीं होती है. इनकी फूड के या तो स्केवेंजर है, मुर्दाखोर है. क्या है? स्केवेंजर है, मुर्दाखोर है, या फिर ये कॉर्निवोरस है, प्रे करते हैं दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पे, उनको प्रे करके ये खाते हैं. अगर ये कार्निवोरस है तो देन ये सवाल पैदा होता है कि इनको डाइजेस्ट करने के लिए क्या इनका इंतजाम है. तो इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम तो बकायदा है, सैक लैक है, उसके पास फेरिंक्स मौजूद है. अब ये क्या करते हैं? तो आप देखें कि अगर ये इनका माउथ है, तो माउथ में से क्या होता है कि ये फेरिंक्स है, तो ये फेरिंक्स अचानक से जैसे प्रे इनके पास होता है, जो उनके पास स्टिमुलस मिलता है, ये फेरिंक्स, फिर ये माउथ है, उसमें से माउथ में से क्या करेंगे? ये फेरिंक्स को बाहर निकालेंगे, प्रोट्रूड करेंगे. फेरिंक्स को बाहर निकाला, प्रे को पकड़ा, और फिर वापस फेरिंक्स चली गई. मतलब ये कि माउथ में से फेरिंक्स बाहर निकली, माउथ को माउथ इंजेस्ट करने में काम नहीं देता, जिस तरह हमारा माउथ है वो इंजेक्शन में इन्वॉल्व है, नहीं, यहां पर जो फेरिंक्स इन्वॉल्व है, फेरिंक्स इंजेक्शन में इन्वॉल्व है. कैसे? फेरिंक्स जो है वो माउथ में से बाहर निकलेगी, निकलने के बाद शिकार को कैप्चर करेगी, और फिर वापस माउथ के अंदर चली जाएगी. जब वो माउथ के अंदर शिकार को ले जाएगी,
तो देन फेरेंस का जो बॉडी है उसी के अंदर एंजाइम रिलीज किया जाएगा फेरेंस वॉल के अंदर, और वहां पे वो जो शिकार अंदर की जाने गया था उसको डाइजेस्ट किया जाएगा, उसकी ब्रेक डाउन की जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाएगा और इंजेक्शन उसकी जो है वो डाइजेशन की तरफ लेके जाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसके एक्सचेंज ऑफ मटेरियल क्या है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में जनाब कि एक्सक्रीशन कैसे करता है। एक्सक्रीशन के लिए इसके पास प्रोटोनेफ्रिडिया मौजूद है। अब प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होते हैं, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो उनकी बॉडी के अंदर पाया जाता है, और वो प्रोटोनेफ्रिडिया क्या कहलाता है, उस प्रोटोनेफ्रिडिया पे छोटे छोटे सेल्स मौजूद हैं जो कि फ्लिकरिंग लाइक मूवमेंट शो करते हैं। और वो फ्लिकरिंग लाइक मूवमेंट क्या है, मोमबत्ती के एक शोले की तरह, जो कि एक मोमबत्ती का शोला टिमटिमा रहा होता है, ये बिल्कुल उसी तरह टिमटिमाते शोले की तरह है, फ्लिकरिंग मूवमेंट की तरह। लेकिन ये एक सेल नहीं है, ये टफ टफ सीलिया है, सीलिया का गुच्छा है जो सारे के सारे बिल्कुल मोमबत्ती के शोले की तरह मूव करते हैं, फ्लेम सेल्स इनको कहा जाता है, इसी वजह से इनकी फ्लिकरिंग मूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जब वो फ्लिकर करते हैं तो फ्लिकर करने के बाद वो क्या करते हैं, जैसे आपने बॉडी के अंदर फ्लिकर कर रहे होते हैं तो फ्लिकर करने के नतीजे में उसको क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं, कैप्चर करते हैं मटेरियल को, एक्सक्रीटरी मटेरियल को, और प्रोटोनेफ्रिडिया में ले जाते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया से फिर बॉडी का जो है बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी चीज है ऑस्मोरेगुलेशन। अब ऑस्मोरेगुलेशन क्या, जो ये मरीन में पाए जाते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं जनाब, आइसोटोनिक होते हैं। आइसोटोनिक क्या है, जिनका इंटरनल बॉडी जो है, इंटरनल बॉडी जो सॉल्यूशन स्टेट है, सॉल्यूशन स्टेट क्या है, सॉल्यूशन स्टेट दो चीजों से मिलकर बनी होती है, सॉल्वेंट सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर होगी, वो दोनों उस लेवल पे होंगे, बराबर मतलब ये नहीं है कि दोनों कंसंट्रेशन के हिसाब से बराबर है, नहीं, मन कहने का मतलब यह था कि एक सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट की जितनी मिकदार दरकार होती है वो उसको एक अच्छा सॉल्यूशन बनाने के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितनी दरकार होती है वो चाहिए। अगर वो चाहिए होगी, वो मौजूद है वहां पे, देन इट विल बी कॉल्ड एज आइसोटोनिक, वो आइसोटोनिक कहलाएगा। अगर वो आइसोटोनिक है सॉल्यूशन, तो कभी भी वो डिमांड नहीं करेगा कि बॉडी से कुछ और इंटर। तो इसकी बॉडी का, इनकी बॉडी का जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, उन ऑर्गेनिजम्स का जो मरीन में पाए जाते हैं, मरीन में एनवायरनमेंट, जो मरीन एनवायरनमेंट एक्वाटिक, उसमें जो साल्ट की कंसंट्रेशन है उसके लिहाज से बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बराबर है आइसोटोनिक है, वो आइसोटोनिक है तो इट मीन दैट ना वो पानी खारिज करेगा ना पानी लेगा, उनको ऑस्मोरेगुलेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स की, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की, तो उनको आइसोटोनिक जो है वो, उनको जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन की जरूरत होती है, उनको पानी रिलीज करना पड़ता है या लेना पड़ता है, तो उनको ऑस्मोरेगुलेट करना पड़ता है अपनी बॉडी को अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल सिचुएशन। तो उसके बाद बात आती है किसकी, रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन के लिए उनके कोई मखसूस ऑर्गन नहीं है, तो ये क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन गैसेस करते हैं, बट थ्रू द बॉडी। क्या करते हैं ये, थ्रू द बॉडी जो है हम रेस्पायर करते हैं। मजीद चलते हैं जनाब। तो जनाब हम बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं जनाब नर्वस सिस्टम पे और सेंसरी ऑर्गन्स पे, किसकी, फाइलम प्लेटिस हेलमिंथीज के जो है नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन पे बात करते हैं। अब अगर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें बकायदा तौर पे कोई एक जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पे इसको यह जरूर कहा जाता है कि इसमें प्रिमिटिव किस्म का नर्वस सिस्टम जो है वो पाया जाता है। इसमें स्टैटोसिस्ट होती है जनाब। स्टैटोसिस्ट का काम क्या है कि ये इसमें स्टैटोलेथ या स्टैटोसिस्ट पाए जाते हैं, जो कि इसको मैकेनोरिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं, जो कि इसके हेड के हेड हिस्से में पाए जाते हैं, इसके फ्रंटल पोर्शन या इंटीरियर पोर्शन में पाए जाते हैं, और जो को ग्रेविटी के हिसाब से मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं, ग्रेविटी को चेक करने में हेल्प करते हैं, इनके मूवमेंट में। उसके अलावा इनके पास जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कुछ में। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्चुअली क्या होता है कि इसमें कुछ नर्व्स जो हैं वो अपने आप को स्पेशलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो जो नर्वस सिस्टम स्पेशलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं, कुछ जो है नर्व्स अपने आप को गैंग्लियॉन इकट्ठा बना लेते हैं और उसको गैंग्लियॉन कहते हैं। चूंकि वो कुछ नर्व्स हैं न्यूरॉन्स जो हैं वो इकट्ठे होकर गैंग्लियॉन्स की तरफ जाते हैं, गुच्छा बना देते हैं, तो वो इस तरह वर्क करते हैं जिस तरह ब्रेन जो है वो वर्क करता है हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में। तो वो इसलिए उसको कहा जाता है कि प्रिमिटिव ब्रेन के नाम से भी पहचाना जाता है। लेकिन उसके लेटर यहां जिस तरह ये एग्जांपल थी वो लेटर नर्व कार्ड बनी होती है, यहां भी हमने ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहां पे शो किया, लेकिन वो इसी तरह ब्रांचेस शो करते हैं, लेटरल ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस से वो नर्व कार्ड है। ठीक है, उन नर्व कार्ड से फिर
साइड से ब्रांचेस निकले हो जिस तरह ये है, लेकिन ये अगरचे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे समझ लें कि इस तरह बिल्कुल जो है वो साइड पर ब्रांचेस निकली होती हैं, उन साइड ब्रांचेस को कॉमिशर्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं नर्व कार्ड को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट है, हमने कहा है कि वो गैंग्लियॉन वहां पे पड़ा है, और वो गैंग्लियॉन क्या है कि वो प्रिमिटिव ब्रेन के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये यहाँ पे इसके हेड रीजन में ज्यादा से ज्यादा रिसेप्टर कहां पे पड़े होते हैं, इसके ऑरिकल्स में। ऑरिकल्स क्या है, वी इसका हेड रीजन है, तो हेड रीजन में ये जो साइड पे एयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके बने हुए, ये देखें आप यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो में, तो ये जो साइड पे जो स्ट्रक्चर बने हुए इनको ऑरिकल्स कहा जाता है। इस ऑरिकल्स में ज्यादा इसके जो रिसेप्टर्स और न्यूरॉन्स जो है वो वहां पे पड़े होते हैं, और वो उसको रिसेप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे ट्यूमर रिसेप्टर भी यहाँ ऑरिकल्स में ज्यादा पड़े होते हैं। उसके अलावा ये दो आई स्पॉट्स पड़े हुए हैं, इन आई स्पॉट्स को क्या कहा जाता है, अगर ये नेगेटिव जो है वो फोटो मूवमेंट शो करते हैं, लाइट से भागते हैं ज्यादातर जो है इसमें, लेकिन यहाँ पे इसके आई स्पॉट्स पड़े हैं जो कि ब्लैकिश कलर के डीप स्ट्रक्चर्स हैं, गड़ों की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, वो उनको सॉरी फॉर दैट, सिंगल वन को ऑसिलस कहा जाता है, और जो है वो प्लूरल को क्या, ऑसिलाई के नाम से जाने जाते हैं, जो को लाइट डिटेक्शन में इन्वॉल्व है, आई स्पॉट या ऑसिलाई के नाम से। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इनके रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन इसमें दो तरह की पाई जाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि फिशन करते हैं, मतलब ये है स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म में प्लेनेरिया जो ड्यूजेसियस है, ये कट ऑफ हो जाएगा, दरमियान से कट हो जाएगा, आधा इंटीरियर पोर्शन ऊपर, पोस्टीरियर पोर्शन नीचे, हेड आगे टेल इसके नीचे, लेकिन होगा कि ये दोनों इसके टुकड़े बनेंगे, जो दोनों पोर्शन बनेंगे ये इसके क्या कहलाते हैं, दोनों पोर्शन क्या कहलाते हैं, ज्वाइंट्स, दोनों पोर्शन क्या कहलाते हैं, ज्वाइंट्स कहलाते हैं, फिशन के जरिए होंगे, बाइनरी फिशन के जरिए होंगे, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। दोनों ज्वाइंट, जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो हेड का रीजन बनाएगा, जो हेड वाला रीजन है उसका पोस्टीरियर पोर्शन डेवलप करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम बात करते हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इनके पास मेल गैमेट्स भी हैं, फीमेल गैमेट्स भी हैं, फीमेल गैमेट्स में इसमें पास ओवरीज मौजूद हैं, ये यहाँ पे हमने शो किया है कि जनाब इसके पास ओवरीज मौजूद हैं, ओवरीज कनेक्टेड होती है किसके साथ, डक्ट के साथ, जो कि ओविडक्ट कहलाती है, और ये पीछे आके कनेक्टेड होती है किसके साथ, जेनिटल चैम्बर के साथ। जेनिटल चैम्बर वो मकाम है जहां पे जो है वो ये आके इकट्ठे होते हैं ओवरीज वगैरह, इसमें जो है बाकी जो स्पर्म जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं, वो यहाँ पे फीमेल के अंदर जो है वो यहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं जेनिटल चैम्बर में। दूसरे इसके पास टेस्टिस हैं जो मेल ओवुलेट्स के नाम से जाने जाते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, ये कनेक्टेड है किसके साथ, डक्ट के साथ, जिसे वास डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर स्पर्म डक्ट के नाम से जाना जाता है। ओवरी जो है, जो ओवी डक्ट है वो एक्चुअली वो रास्ता है, ओवी डक्ट क्या है, वो रास्ता है जहां से स्पर्म मूव करके ओवरी में पहुंचते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होती है ओवरी में, फर्टिलाइजेशन होती है ओवरी में, और जो स्पर्म आते हैं वो जेनिटल चैम्बर में आते हैं, जेनिटल चैम्बर में आने के बाद स्पर्म यहां से ओविडक्ट में मूव करते हुए आते हैं ओवरी में, फर्टिलाइजेशन होती है ओवरी में, तो लिहाजा ओविडक्ट जो है वो रास्ता फ्राम करती है स्पर्म की मूवमेंट का टूवर्ड्स द ओवरी। लेकिन टेस्टिस जो है, इनमें जो पेयर ऑफ टेस्टिस जैसे पड़े हुए, इनमें क्या है कि वो स्पर्म पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद वो किस में आते हैं, वास डिफरेंस में, यहां पे पैदा हुए आते हैं वास डिफरेंस में, यहां पे आने के बाद ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाता है, सेमिनल वेसिकल, इस सेमिनल वेसिकल में आके स्पर्म स्टोर होते हैं, क्या होते हैं, स्पर्म यहां पे आके स्टोर होते हैं। अब एक ऑर्गेनिज्म के पास ओवरी भी पड़ी है, उसके पास जो है वो टेस्टिस भी पड़ी है, स्पर्म भी उन्होंने पैदा करने हैं, एग भी पैदा करना है, लेकिन ये विद इन ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म के स्पर्म और एक ऑर्गेनिज्म के एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं करेंगे। होगा क्या कि इस एक ऑर्गेनिज्म के जो एग हैं वो एक में पड़े रहेंगे, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म के जो स्पर्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो है वो उसके अंदर दाखिल होंगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाकर फर्टिलाइज करेंगे। एक ऑर्गेनिज्म में एग भी है, स्पर्म भी है, वो विद इन ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइज नहीं करेंगे, वो एक ऑर्गेनिज्म के स्पर्म जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाते हैं। अब यहाँ पे ये सेमिनल वेसिकल में स्पर्म स्टोर हुए, स्टोर होने के बाद ये जेनिटल पोर है जिसे मैंने जी पोर से शो किया है, यहां से वो क्या है, वो क्या होगा, यहाँ पे बड़ा पिनस स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, पिनस एक्सटर्नल जेनिटेलिया है इसका, इसके जरिए ये प्रोट्रूड होगा, जो प्रोट्रूड होने के बाद ये यहाँ पे कॉपुलेटरी सैक है, यहाँ पे मैंने शो नहीं की, जगह नहीं थी, तो कॉपुलेटरी सैक के जरिए वो इंटर करेगा, इंटर करके किस में आएगा, मतलब ये ऑर्गेनिज्म
अपने पिनस जो है वो प्रोट्रूड करेगा, बाहर निकालेगा, निकालने के बाद वो क्या करेगा, वो यहां से अपने स्पर्म को भेजेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दूसरे ऑर्गेनिज्म की कॉपुलेटरी सैक में से जो कॉपुलेशन से निकला है उसमें से दाखिल होकर आएंगे किस में, जेनिटल चैम्बर में, जेनिटल चैम्बर से वो ओविडक्ट में जाएंगे, ओविडक्ट में जाने के बाद वो पहुंचेंगे ओवरी में, ओवरी में जाके होगी फर्टिलाइजेशन। जब ओवरी में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो वहां पे क्या बनेगा, अभी तक जब वहां पे अर्ग में फर्टिलाइजेशन हुई है, होने के बाद कुछ ये कहते हैं के बाद उसमें योग ट्रांसफर की जाती है, यहां भी मैंने योग ग्लैंड को देखा, बाद में योग भरी जाती है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके गर्द योग को बनाया जाता है, ठीक है, डेवलप किया जाता है। कुछ ये कहते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जायगोट मूव कर रहा होता है, मूव करते हुए साथ जो है वो योग बनती है, साथ जो अटैच होती है दोनों कंडीशन में। अगर वो ओवरी में पड़े और वहां पे जाके योग उसके जायगोट की गर्द डेवलप हुई है तो भी कंडीशन, अगर वो जायगोट ओवरी से बन के ट्रांसफर हो रहा है आगे मूव कर रहा है तो रस्ते में योग उसके साथ अटैच हुई है दोनों कंडीशन में। अब जब जायगोट बन गया तो जायगोट बनने के बाद अपने गर्द एक शेल बना लेंगे, वो थिन शेल भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है। वो शेल जो उसके गर्द बनेगा, वो जो कैप्सूल उसके गर्द बनेगा, उसको कहते हैं कोकून, उसको हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। यहां भी मैंने शो किया है, वो उसको क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है, कैप्सूल बनता है उसके गर्द, कोकून कहलाता है। अब ये कोकून मैंने कहा है कि वो थिन शेल भी हो सकता है, थिक शेल भी हो सकता है, थिक कैप्सूल भी हो सकता है, थिन कैप्सूल भी हो सकता है, वो कोकून कहलाता है। अगर वो थिन शेल होगा, थिन कैप्सूल होगा, तो वो 2 से 3 वीक के बाद ऑर्गेनिज्म को हैच कर देगा, वो कैप्सूल कोकून हैच कर देगा और ऑर्गेनिज्म उसमें से लार्वे जो है वो बाहर निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे, लार्वे उसमें से बाहर निकल आएंगे, वो अब इमैच्योर ऑर्गेनिज्म को बाहर निकालेगा। जब एक इमैच्योर शेल जो है इमैच्योर कैप्सूल हैच करेगा और इमैच्योर किस्म के ऑर्गेनिज्म को बाहर निकालेगा तो वो कौन से कोकून है, वो कहलाते हैं समर कोकून। वो कौन से कोकून कहलाते हैं, समर कैप्सूल या समर कोकून के नाम से जाने जाते हैं, जो कि 2 या 3 वीक के बाद हैच करेगा, उसमें से ऑर्गेनिज्म बाहर आ जाएंगे। दूसरे हैं थिक वॉल वाले, जो थिक वॉल रखते हैं, थिक कैप्सूल है, जो कि रेजिस्टेंट है, सर्दी गर्मी को रेजिस्ट कर जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑटम कैप्सूल या ऑटम जो है वो कोकून। ये क्या करते हैं, ऑटम में बनते हैं लेकिन इतने थिक होते हैं कि उसकी जो है वो शिद्दत को जो है मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त कर जाते हैं और सर्दियां गुजरने के बाद आफ्टर विंटर जो वो क्या करते हैं, हैच करते हैं और ये फुल मैच्योर होते हैं, फुल मैच्योर ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर निकलते हैं। बहरहाल यहां पर मैंने बताया कि आपको उसके शेल बनता है थिन भी थिक भी, दोनों को क्या कहते हैं, सूत्र में क्या कैप्सूल या वो कोकून कहलाता है। कोकून से हैच होता है ऑर्गेनिज्म, लार्वे बाहर आते हैं। इमैच्योर होगा तो वो 2 या 3 वीक के बाद हैच करेगा तो वो समर कोकून है, अगर वो विंटर के बाद हैच करेगा तो वो क्या कहलाता है जनाब, उसका ऑटम कोकून है। अब सम टाइम ये होता है कि कुछ में ये होता है कि लार्वी जो है वो हैच करने के बाद, वो उसका जो है वो ऑर्गेनिज्म हैच करने के बाद कोकून से वो डायरेक्ट एक फुली जो है वो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देता है। सम टाइम वो लार्वा स्टेज में चल जाता है, वो जब लार्वा स्टेज में चल जाता है तो उस लार्वा को क्या कहा जाता है, मुलर लार्वा। क्या कहा जाता है, मुलर लार्वा कहा जाता है, जो कि बनता है इस क्लास जो है टर्बुलेरिया में, टर्बुलेरिया में बनता है, कौन जो है मुलर लार्वा बनता है, ठीक है। तो वो सम टाइम उसमें से गुजरते हैं मेटामॉर्फोसिस में, तो मुलर लार्वा जो है बनता है। यहां पे जरा इसको खत्म कर उसके बाद मुलर लार्वा से जो वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। हम दूसरी क्लास की बात करते हैं, कौन सी क्लास, मोनोजीनिया। मोनोजीनिया को मोनोजीनिया को कहते हैं, मोनो स्टैंड फॉर वन, जीनियस स्टैंड फॉर इसका गैमेट है। क्या है कि एक ही एग से ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, एक सिंगल वन ऑर्गेनिज्म एग से जो है वो एक ऑर्गेनिज्म पूरा डेवलप हो जाता है, इसलिए उसको मोनोजीनिया के नाम से जाना जाता है। ये मोस्टली क्या है, पैरासाइट है, और पैरासाइट भी कौन से, एंडो नहीं एक्टो, ये एक्टो पैरासाइट है, ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मरीन में भी रहते हैं। और ये पैरासाइट कौन से, इनकी जो है वो बैक पे क्या इनके पास ऑर्गन होते हैं जिनको ऑपिसथैप्टर कहते हैं, ऑपिसथैप्टर ये अटैचिंग है, जो कि सकर टाइप है, इनके जरिए भी अपने आप को अटैच करवा लेते हैं, अपने होस्ट के गिल्स के साथ ये अटैच करवाते हैं, अपने होस्ट के गिल्स के साथ ये अटैच करवाते हैं। गिल्स की बात है तो अल्टीमेटली ये फिशेस के साथ अटैच करते हैं, कि मोस्टली होस्ट जो है वो फिशेस है, तो फिश के गिल्स के साथ ये क्या करते हैं, अपने आप को अटैच करवाते हैं। जब वहां पे अटैच हो जाते हैं तो गिल्स में अब ब्लड मौजूद है, ये वहां पे क्या करते हैं, उनके ब्लड को जो है वो सक करते हैं, होस्ट के ब्लड को चूसते हैं, उन पे ये जो है वो जिंदगी गुजारते हैं पैरासाइट,
उनके गिल्स पे अटैच होंगे किसके ऑपिस्टेप्टर के जरिए जो उनके पोस्टीरियर पोर्शन मौजूद है सकर लाइक ऑर्गन है जिनके जरिए ये क्या करते हैं क्लास मोनोजीनियस से तल्लुक रखने वाले अपने होस्ट मतलब फिशेस की गिल्स पे अटैच होते हैं ब्लड को सक करते हैं और एक्टोपैरासाइट उनके अंदर नहीं जाते बाहर से रहकर जो गुजारते हैं और इनमें क्या है कि जो है वो डायरेक्ट जो है वो अगर डेवलप हो तो ठीक है नहीं तो ये ऑन्कोमेलासीडियम लार्वी से बनाते हैं जो कि सिलिएटेड लार्वी है एग जब इनका हैच करता है तो ये क्या है सिलिएटेड लार्वी है जो कि सिलिया रखते हैं मूवमेंट में इन्वॉल्व है और इनके लार्वी को क्या कहा जाता है ऑन्कोमेलासीडियम कहा जाता है। मैंने पिछली क्लास को क्या टर्बुलेरिया के लार्वी को क्या कहा है मुलर लार्वा और इनके जो लार्वा है इसका मोनोजीनिया का वो क्या ऑन्कोमेलासीडियम है। जनाब यहाँ पे हमने लेक्चर खत्म किया जाफर बायोलॉजी को जो है आप जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ अल्लाह हाफिज़।